नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्वर। और इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करें, आप इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी पे लिख ले, नोट डाउन कर ले, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जो ध्वनि हमें सुनने में अच्छी लगती है तो वो हम नाद में काउंट करते हैं। तो हम छोटी छोटी ध्वनियाँ को जिसमें हम इतना डिफरेंस मालूम नहीं कर पाते या हमारे कान इतना डिफरेंस सुन नहीं पाते, तो हम उनको श्रुति में काउंट करते हैं। तो श्रुति बेसिकली होता क्या है, पहले हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि श्रुति क्या होता है। तो श्रुति समझने के लिए हमें बहुत सी बारीक ध्वनि होती है जो मतलब एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि का फर्क नहीं बताती। तो हम छोटी छोटी संगीत में यूज़ होने वाली 21 ध्वनियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें 4-3-2 में बांटते हैं। तो 21 ध्वनियों को हम 4-3-2 और 4-3-2 में दो के फर्क में बांट देते हैं। तो इन ध्वनि को जब हम आपस में एक ग्रुप में मिलाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट में चार बोला है, तो चार छोटी छोटी साउंड्स मिलके हमें एक स्वर बनाती है जिसे हम सा का नाम देते हैं। सा मतलब जिसका संगीतक नाम षडज है। और इसके बाद हम तीन श्रुतियाँ और जोड़ते हैं तो जिसे हम रे का नाम देते हैं, तो जिसका नाम संगीतिक ध्वनियों में ऋषभ जुड़ता है। और इसके आगे हम दो श्रुतियों का और बढ़ावा देते हैं जिसमें हमें गा मिलता है। तो इसी तरह से हम 7 ध्वनियों को 21 ध्वनियों में से बना लेते हैं। तो और उन्हें हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जो हमारे शॉर्ट नेम सा रे गा मा पा धा और नी बनते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से स्वर तो बन जाते हैं, लेकिन हम इस बारे में भी सोचते हैं कि स्वर आखिर में होते कितने हैं। तो बेसिकली दोस्तों मेन तो हम 7 स्वर ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर टोटल स्वर की बात की जाए कि हम स्वर संगीत में कितने स्वर यूज़ करते हैं, तो 12 स्वर हम संगीत में यूज़ करते हैं, जिसमें से हम 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर यूज़ करते हैं। तो हम 7 स्वर शुद्ध कैसे यूज़ करते हैं या कैसे उनको मतलब बनाते हैं, ये कह लो कि हम उनको लिखते कैसे हैं या एक दूसरे से इनका डिफरेंस कैसे दिखाते हैं। तो दोस्तों हम कोमल स्वर लिखने के लिए, तो जो स्वर हमारे कोमल होते हैं उनको दिखाने के लिए हम उनके नीचे एक लाइन लगा देते हैं। तो जो शुद्ध स्वर होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, मतलब कि इनको लिखने के लिए हम कोई चिन्ह नहीं यूज़ करते। और जो तीव्र स्वर होता है, जो तीव्र स्वर होता है उसके हम ऊपर एक खड़ी लाइन दिखाते हैं। तो हमारे कोमल स्वर, शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर हो गए। लेकिन हम ये बताना भी ज़रूरी समझते हैं कि ये कौन कौन से स्वर होते हैं। जब हम कोमल स्वरों की बात करते हैं तो हमारे पास ऋषभ 2, मतलब के एक ऋषभ शुद्ध और ऋषभ कोमल। गंधार 2, मतलब कि गंधार भी हमारे पास 2 होते हैं, एक गंधार शुद्ध और एक गंधार कोमल। फिर हमारे पास धैवत और निषाद, ये स्वर भी हमारे पास कोमल होते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 4 स्वर कोमल हुए और 1 स्वर तीव्र हुआ, जिसको हम मा, मा स्वर हमारे पास एक शुद्ध होता है और एक तीव्र होता है। इस तरह से दोस्तों हम पूरे 12 स्वर काउंट करते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद।